दिवाली के पर्व से पहले स्थानीय प्रशासन ने खाद्य विभाग की टीम के साथ मिठाई विक्रेताओं के यहाँ छापामार कार्रवाई करते हुए कई कुंटल दूषित मिठाई खोवा चाशनी को नष्ट करवाते हुए छेना और खोवा अन्य मिठाइयों के सैंपल साथ ले गए हैं। सैंपल की जांच होने के बाद में अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। आपको बताते चले, कस्बा अलीगंज के मुख्य गांधी चौराहा पर स्थित काना स्वीट हाउस पर दोपहर करीब 12 बजे एसडीएम प्रतीप त्रिपाठी, खाद्य विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर श्वेता सैनी और सीओ सुधांशु शेखर ने दिवाली के पर्व से पहले अचानक से छापामार कार्रवाई करते हुए रंग बिरंगी मिठाइयों का सैंपल भरवाया है, जिसके बाद में काना स्वीट हाउस की गोदाम पर अधिकारियों का जत्था जा पहुंचा, जहां पर कारीगरों के द्वारा दिवाली को लेकर मिठाइयां बनाई जा रही थी। अधिकारियों के जत्थे को देख लोगों और कर्मचारियों और लेबर में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों के दूषित मिठाइयों को आनन फानन में कर्मचारियों के द्वारा इधर उधर खा जाने रखा, जिसके बाद में अधिकारियों ने फैली हुई गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए करीब 3 क्विंटल के आसपास चाशनी, खोवा और छेना की मिठाई को नष्ट करवाते हुए शहर के बाहर गद्दा खोद करके नष्ट करवाया है और खोवा, दूध, छेना, बर्फी, पेड़ा इत्यादि का सैंपल भी प्रयोगशाला भिजवाया है। मौके पर बनाई जा रही चाशनी बेहद दूषित पाई गई है और दूषित मिठाइयां भी बनाई जा रही हैं। अयोध्या टाइम अलीगंज एटा सुनील गुप्ता के साथ मैं नैन्सी गौतम। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टीम सर, आज अलीगंज में खाद्य विभाग के द्वारा और आपके साथ जो है कार्रवाई की गई है, काफी स्थानों पर कुछ सैंपल भी लिए गए हैं, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जो है आज हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी और चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे, तो जो भी हमारे प्रतिष्ठान है, मिष्ठान भंडार वगैरह है, वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था और जो भी वहाँ पे उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता चेकिंग की जा रही है, उसके लिए सैंपल लिए गए हैं कई जिलों से। सैंपल जाँच के बाद जो है जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी सुरक्षित। प्रयोगशाला से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार उनके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।